तो हेलो गाइस, देखो सकते हो हमारे गेम में जो है मस्टैंग जीटी कार जो है फाइनली ऐड हो गई है। लेकिन गाइस जो है आज की वीडियो में जो है हमारी कार के बारे में हमारी बात नहीं होने वाली है। हमारे गेम में गाइस जीटी मस्टैंग कार से पहले जो है हमारे इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3 गेम में जो है भाई हमारा ऑटो रिक्शा भी ऐड हो चुका है। लेकिन आज मैं जो है आपको अपना ऑटो रिक्शा के बारे में बताऊँगा और भाई वो जो ऑटो रिक्शा है उसको मैं जो है आज आपको लेके भी दिखाऊँगा। तो गाइस जल्दी से हम चलते हैं अपने फार्म हाउस की तरफ में और गाइस वहाँ लेके दिखाऊँगा मैं आपको अपना ऑटो रिक्शा। गाइस ऑटो रिक्शा का अपडेट है वो काफ़ी ज़्यादा पहले ही आ चुका था, लेकिन गाइस मैं आपको दिखाने में जो है काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया भाई। आपसे जो है इस चीज़ के बारे में तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, लेकिन गाइस ऑटो रिक्शा का जो अपडेट है वो भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और गाइस जो है ऑटो रिक्शा जो है मैं आपको फार्म हाउस में लेकर दिखाता हूँ। और गाइस जो है मेरा फार्म हाउस है इधर से हम सीधा जाते हैं तो अपने को जो है मिल जाता है। और गाइस वहीं पर जो है हम आपको जो है ऑटो रिक्शा बताएंगे लेके। और गाइस जो है इस कार की जो स्पीड अगर मस्टैंग की बोले तो भाई बहुत ज़्यादा मस्त है। और गाइस जो है मस्टैंग कार से पहले जो है ऑटो रिक्शा अपने गेम में ऐड हो चुका था, लेकिन गाइस जो है मैं किसी रीज़न की वजह से जो है मैं अभी आपको दिखा नहीं पाया था। और भाई जो है काफ़ी दिनों से हमारी वीडियोज़ भी नहीं आ पा रही थी गेम प्ले की, भाई किसी रीज़न की वजह से जो है मैं गेम प्ले की वीडियो नहीं डाल रहा था। अगर गाइस हम रीज़न की बात करें तो रीज़न जो था गाइस तो हमारा भाई हमारा पेपर चल रहा है गाइस, इसलिए जो है मैं अपना जो है भाई रीज़न जो है यही था कि भाई पेपर चल रहे थे इसलिए जो है मैं अपनी वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था और जो है आपके बीच नहीं आ पा रहा था। तो गाइस जो है मेरी ऑडियो क्वालिटी भी आप बताना कमेंट करके जो है आपको कैसी लग रही है। और गाइस जो है यहाँ से हम मस्टैंग जीटी कार को जो है देख सकते हो निकाल सकते हैं कि नहीं बताना कमेंट करके। तो गाइस मुझे तो जो है यहाँ नहीं जाने की लगता है, आपको क्या लगता था बता देना, लेकिन गाइस जो है कार तो यहाँ नहीं जाने वाली है। तो गाइस जो है अब आपका जो सब्र है उसको बेफिक्र यानी कि ख़त्म करते हैं और भाई जो है आपको दिखाते हैं भाई अपना ऑटो रिक्शा। और गाइस जो है ऑटो रिक्शा दिखाने के बाद में उसको जो है मैं उसकी अपडेट के बारे में बात करूँगा, लेकिन गाइस जो है उससे पहले मैं आपसे बात बता दूँ कि भाई जो है ऑटो रिक्शा जो है गाइस नॉर्मली यात्रियों की सवारी के लिए, जैसे मान लो जो है कई यात्री को कहीं जाना रहता है बस स्टैंड से उतर कर भाई शहरों में, तो गाइस वहाँ पे यूज़ होता है। लेकिन गाइस जो है हमने अपने इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3 गेम में जो है इसका यहीं पे ऐड कर दिया है। तो गाइस जो है फार्म हाउस में लेके दिखाता हूँ और गाइस जो है इसका हम जो है क्या यूज़ कर सकते हैं गेम में बता है। तो भाई हम इसमें जो है अपने सामान की ढुलाई कर सकते हैं अपनी भाई ऑटो रिक्शा की से, और भाई यहाँ पर जो है कार जाना मुश्किल है। तो गाइस जो है ऑटो रिक्शा का वर्क यही होता है कि भाई पैसेंजरों को जो है एक रोड से दूसरी रोड तक ले जाना और वहाँ पर ले जाने के बाद में जो है अपने जो है भाई दूसरे यानी कि पैसेंजर को वहाँ छोड़ना और दूसरे पैसेंजर को मंगना ले जाना। और भाई ऑटो रिक्शा में जो है ऑटो रिक्शा वाले इसी चीज़ का आपसे जो है पैसा लेते हैं। आपको एक बात बता दूंगा इसकी इस कार में जो है जो जीटी मस्टैंग कार आप देख पा रहे हो ना, इसमें जो है एक और इंटरेस्टिंग वाला जो है फीचर है भाई। वो फीचर की अगर हम बात करें ना तो भाई वो फीचर है भाई, देखो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। थोड़ी कार की जो है स्पीड हमको जो है बढ़ानी पड़ेगी और स्पीड बढ़ाने के बाद में गाइस जैसे ही हम जो है इसको जो है यहाँ पे जो है ठोकेंगे तो भाई देखना गाइस आगे से जो है ये पिचक जाएगी गाड़ी। तो भाई कैसे पिचकेगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी गाइस जो है मैं अभी आपको जो है ऑटो रिक्शा भी लेके दिखाने वाला हूँ, लेकिन गाइस जो है इस कार के जो है सारे फीचर के बारे में जो है आपको मैं जो है पहले ही बता दूँ। और गाइस जो है इस फीचर सारी गाड़ी के जो फीचर है आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दूँ। तो भाई जो है गाड़ी जो है गाइस काफ़ी ज़्यादा धीरे चल रही है क्योंकि इसका जो मिनिमम टॉर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, बट मुझे तो लग रहा है कि भाई ये गाड़ी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसको जो है मैंने फुल कर दिया है और अब देखते हैं गाड़ी की स्पीड में क्या बदलाव आता है और गाइस जो है गाड़ी किस तरीके से स्पीड बनाती है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कम है और भाई जो है मैंने स्पीड भी गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा बना दी है। तो भाई देखो क्या ख़तरनाक स्पीड बन चुकी है गाड़ी की। और भाई देखो मैं पहुंच चुका हूँ भाई स्कूल की तरफ में, तो गाइस जो है यहाँ पर हल्की ठोकाई गाड़ी, लेकिन पता नहीं अब गाड़ी के साथ में क्या हुआ बट गाड़ी जो है फंस चुकी है भाई, निकल भी चुकी है। तो गाइस देख सकते हो आगे से अभी जो है हल्का सा डैमेज पड़ा है बट गाइस जो है उतना ज़्यादा खास जो डैमेज होता है ना वो नहीं पड़ पाया है। तो भाई जो है मैं अभी इसमें जो है ख़तरनाक डैमेज करूँगा और आपको दिखाता हूँ। तो भाई फार्म हाउस से जो है अपन अपना ऑटो रिक्शा को भी लेने वाले हैं और ऑटो रिक्शा भी आपके सामने पास में जो है पेश करके दिखाने वाले हैं। अगर हम बात करें पीछे से कैसे टाइप से डैमेज होता है अपनी गाड़ी में, तो देख सकते हो पीछे से भी जो है गाड़ी मुड़ चुकी है और जो है मैं एक बार इसको जो है सामने से अच्छे ख़तरनाक तरीके से ठोक के दिखाता हूँ आपको। तो यहीं पर जो है एक बार ठोक के देखते हैं कि और देखते हैं क्या डैमेज आता है। तो बाकी जो है उतनी ज़्यादा खास तरीके से जो है गाड़ी ठुकी नहीं, इसलिए जो है कुछ खास डैमेज भी नहीं आ पाया। और भाई देखो गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है
और भाई देखो गाड़ी से अगर आगे की डैमेज की बात करें तो इस साइड का जो हेडलाइट वाला सिस्टम है ये सारा पेचक चुका है, और जब ये जो ओपन वर्ल्ड में जो मैप में जो है ऐड हो जाएगी तो इसका जो है मैं आपको सारा सिस्टम दिखा दूंगा, है ना, कि भाई ये कैसे कैसे पेचकती है, और भाई इसको जो है सारा पेचका के दिखा दूंगा। अभी जो है हमारे एक ही मैप में जो है ये ऐड हुई है और एक ही मैप में जो है इसका भाई काम आया है पूरा। तो गाइस जो है हम इसको जो है थोड़ा गियर वेयर के बारे में दिखा देते हैं। तो गाइस जो है इसके सीट कवर बताते हैं कैसे लग रहे सीट वीट, है ना, और भाई जो है सीट कुछ ऐसा लगता है इसका, और गाइस जो है साइड वाला सीट ऐसा लगता है साइड पैसेंजर का, और जो है पीछे की सीट कुछ इस टाइप से है पीछे में, और इसमें जो है सनरूफ वनरूफ नहीं है क्योंकि ये जो है सनरूफ वाली गाड़ी नहीं है, है ना, और जो है ये ओपन वाली गाड़ी भी नहीं है जिस तरीके से अपनी जो है अभी पोर्चा जो है ऐड होने वाली है। पोर्चा देखना, पोर्चा जो है एक साइड से ओपन होने वाली कार है, वो जो है एक साइड ओपन होती है, तो वो भी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ कि भाई किस तरीके से हम जो उसको ओपन कर सकते हैं। तो इसको जो है मैंने जो है सामने वाले स्कूल में जो है ठोक के दिखाता हूँ आपको सब सामने वाले स्कूल के दीवार पे, और दिखाता हूँ कि भाई किस तरीके से ठोकने के बाद में जो है गाड़ी का लुक आता है और भाई गाड़ी जो है किस तरीके से दिखती है। बाकी जो है आप इतना प्यार दिखा रहे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपसे दिल तरे दिल से जो है धन्यवाद है आपसे, है ना। तो जो है मैं आपसे जो है अब भाई अपनी जो कार है इसको रिवर्स ले लेते हैं और जो है आपसे दिखाता हूँ कि भाई किस तरीके से जो है अपन अपनी कार के साथ में जो है स्टंट कर सकते हैं। तो भाई इसकी जो टॉर्क है वो तो हो चुकी है फुल, और इसको जो है सिमुलेटर में जाके इसको जो है फन मोड में भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो है अपन इस भाई स्टेयरिंग स्विच यूज़ कर लेते हैं और इसको डाल देते हैं फन मोड में, और जो है अपन जो इसको जो स्कूल में लेके जाने की जो है कोशिश करूँगा और देखूँगा कि भाई स्कूल में लेके जाने के बाद में जो है ये स्टंट किस तरीके से करती है। तो गाड़ी की स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन चुकी है, बस नॉर्मली एक्सीलेट में, तो इसकी जो है स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन चुकी है। तो जो है हम इसको जो है स्कूल में लेके जाने के लायक के हैं, और भाई जो है इसको स्कूल में लेके जाते हैं, और इसको जो है स्कूल में लेके जाने के बाद में जो है इसके साथ में करने वाले हैं तगड़े तगड़े वाले स्टंट। तो जो है मैं अभी आपको जो है स्टंट करके भी दिखाने वाला हूँ, और जो है इसमें जो है स्टंट करके मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप लोग ये स्टंट कैसे कर सकते हो। बाकी गाड़ी जो है आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से जो है अंदर जा नहीं पाई थी, तो इस बार एक बार फिर को ट्राई करते हैं, और इस बार जो है नॉर्मली स्पीड रखी है मैंने, और ये देख सकते हो गाड़ी आगे से बिल्कुल नहीं उठ रही है, और गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा तरीके से डैमेज बुरे तरीके से जो है डैमेज खा रही है। आप देख सकते हो गाड़ी का क्या हाल हो चुका है, गाड़ी जो है उसका जो लुक है वो बिल्कुल ही बदल चुका है, और गाड़ी की जो है अच्छी खासी स्पीड बना दिया हूँ मैंने और ये ठोक दिया मैंने, तो गाड़ी जो है थोड़े से मैं बहुत अच्छी स्पीड बना ली थी, तो जो है ये ठुका के जो है बहुत ही बुरा हाल हो चुका है इसका, और जो है इसको जो है अपन बहुत ही ज़्यादा स्पीड में करने के बाद में ठोक के देखते हैं। तो भाई देखो चाहे बुरे तरीके से जो ये ठुक गई है, और भाई दो तीन बार ठुक गई है, और आगे से बात करें तो आगे से जो है कुछ इस टाइप से जो इसका डैमेज पड़ा है, और जो है मैं इसको वापस से जो है घर के यानी कि स्कूल के अंदर ले जा लेता हूँ ताकि जो है हम इसके साथ में और भी ज़्यादा फन कर सकें। बाकी देखो इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम है कि यहाँ से जो है ये चढ़ भी नहीं पा रही है, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है इसका ग्राउंड क्लियरेंस का, बहुत ही ज़्यादा कम है कहना चाहिए। तो गाइस देखो इस बार जो है चढ़ जाएगी मुझे उम्मीद है, क्योंकि आगे से ये जो है उठ चुकी थी, और यहाँ से इसका जो चढ़ना मुश्किल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है बिल्कुल नहीं है, तो इसको जो है अपन यहाँ से जो है चला नहीं सकते, और ये जो है इधर में ही ऐसे जो है ठोकर खाते रहती है, है ना। तो जो है इसको यहाँ से भी चढ़ा के देखते हैं, तो यहाँ पर जो ये चढ़ जाएगी ऐसा लग रहा है मुझको, तो भाई जो है इसको यहाँ चढ़ा देते हैं। और जो है अभी मैं आपको ऑटो रिक्शा के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो जो है मैंने यहाँ पे चढ़ाने की कोशिश की, बट जो है यहाँ पे जो गाड़ी है ये नहीं चढ़ पा रही है, तो इसको क्या करते हैं इसका जो ये है व्हील बैलेंस इसको थोड़ा जो है आउट ऑफ कंट्रोल करते हैं, और देखते हैं फिर चढ़ा के कि भाई क्या होता है इसका हाल। तो जो है देख सकते हो, और अब जो है कतई आगे से उठने वाली है गाड़ी, और भाई देखो क्या है बुरा हाल हो चुका है, तो गाड़ी को जो है आगे से जो है फंस चुकी है ऐसा लग रहा था, बट नहीं फंसी है। और भाई जो है ये गाड़ी कौन बोलेगा कि जीटी मस्टैंग है, तो ये जो है जीटी मस्टैंग तो अब कहीं से भी नहीं लग रही है, और इसकी जो स्पीड है काफ़ी ज़्यादा हो जाए धोने की वजह से जो है इसका हाल जो है आगे से पूरा बुरा टाइप से हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि इसका जो बम्पर वम्पर है इसको किसी ने निकाल के जो है फेंक चुका है, और भाई इसको जो है ऐसे ही रख दिया होगा, तो भाई ऐसे टाइप का जो है इसमें लुक आ रहा है। और भाई देखो जो है मैं आगे पीछे करके बहुत ही बुरे तरीके से इसको जो है ठोक पा रहा हूँ, और जो है इसको जो है ठोकने के बाद में जो है हम आपको लुक दिखा देते हैं कुछ इस टाइप से आ रहा है। आई होप आपको जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।